सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाड़ा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। आओ एक नज़र मारते हैं हुण तक दी खास सुर्खियों ते। धारा 370 रद्द करन दे केंद्र सरकार दे फैसले नूं चुनौती देण वाली पटीशनां उत्ते जल्द सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ने दित्ती जानकारी। भाजपा का अमरीकी कारोबारी सरोस से हमला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सरोस उत्ते भारतीय लोकतंत्री व्यवस्था को निशाना बनाने का लगाया दोष। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नवांशहर में ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी की याद में रखे गए समागम में की शिरकत। कहा चांदपुरी की बहादुरी लामिसाल। ते हुण खबरां विस्तार नाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह जम्मू कश्मीर नूं विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 नूं रद्द करन दे केंद्र दे फैसले नूं चुनौती देने वाली पटीशनां नूं जल्द सूचीबद्ध करन दा फैसला करेगा। तीन जजां दी बैंच ने एक पक्ष वल्लों पेश होए सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन दीआं वकीलां उत्ते गौर कीता कि इन्हां पटीशनां उत्ते तुरंत सुनवाई जरूरी है। चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है, वह इस उत्ते फैसला करनगे। धारा 370 ते जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 के प्रबंधों नूं रद्द करन दे केंद्र दे फैसले नूं चुनौती देने वाली कई पटीशनां 2019 विच साबका चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने जज रमन्ना की प्रधानगी वाली एक संविधानक बैंच नूं भेजियां सन। केंद्र दे इस फैसले तो बाद जम्मू कश्मीर नूं दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर अते लद्दाख विच वंड दित्ता गया सी। केंद्र सरकार ने धारा 370 रद्द करके जम्मू कश्मीर दे विशेष दर्जे नूं रद्द कीता सी। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने अमरीकी अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस उत्ते तिखा शब्दी हमला करते हुए उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि भारतीय लोकतंत्र प्रणाली को भी निशाना बनाने का दोष लगाए। भाजपा की सीनियर आगू और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पत्रकारों को कहा कि सोरोस का ऐलान भारत विरुद्ध जंग थोपण वर्गा सी और इस जंग के भारत के हितों विचकार मोदी खड़े ने। उन्हें कहा कि सारों को एक आवाज में सोरोस की टिप्पणी की निंदा करनी चाहिए है। सोरोस ने कहा कि भारतीय कारोबारी गौतम अडानी के कारोबारी साम्राज में उथल पुथल ने निवेश के मौके वजों भारत में विश्वास को हिला दिता है और भारत में लोकतंत्री पुनर्द्वार के द्वार खोल सकते हैं। सोरोस ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन तो पहले दिए भाषण में कहा मोदी इस विषय से चुप ने पर उन्होंने विदेशी निवेशकों से संसद में सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नवांशहर में ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी की याद में रखे गए समागम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान जिथे उन्होंने कुलदीप सिंह चांदपुरी को श्रद्धांजलि दी उत्थे उन्होंने उपलब्धियों को याद किया। उन्होंने पिछलियां सरकारों उत्ते भी शब्दी हमले किए। इस मौके मुख्यमंत्री ने चांदपुरी का बुत भी लोगों को समर्पित किया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज बाबा गुरदित्ता जी की चरण छोह प्राप्त धरती दे इनकलाबी लोग मेरे सामने बैठे ने। पिंड चांदपुर रुड़की वो धरती जिसने शूरवीर पैदा किए देश की रक्षा ली, ये कोई राजनीतिक फंक्शन नहीं। एक ऐसे योधे नू नतमस्तक होने लई आपां आए हाँ जिन्ना करके आज़ादी नू कायम रखा जा सकिया। तो चांदपुरी साहब ने ओ कहर दी रात जिहड़ी भारत लई बहुत खतरनाक हो सकती सी, हो सकता नक्शा ही कोई होर हुंदा, एहो जे लोगों ने वो बहादरियां दिखा के बहादरियां का सबूत दे के अपनी ड्यूटियां निभाइया। जिहड़े कहिंदे सी ब्रेकफास्ट लौंगेवाल लंच जैसलमेर ते डिनर जोधपुर, उन्होंने आपदी धरती ते भी ब्रेकफास्ट नसीब नहीं होया, सारे दे सारे तबाह करते उन्होंने। इत्थे मैं मत्था टेकण गया बाबा गुरदत्ता जी दे जन्म चरण छोह प्राप्त धरती ते, पिंड ने मैनू कुछ मंगा भी दसिया ने, छोटिया छोटिया मंगा ने, और दुख की गल यह है कि हजे तक उही मंगा ही नहीं पूरी हुई जिहड़ियां जिवें कि
मैं दस्या गया कि ट्यूबवैल की घाट है जी, गुरुद्वारा साहब संगत आदि ने बहुत पानी पीने है नहीं, तो कदों सड़क जड़िया वो खराब ने। सो 75 साल हो गए जी आज़ादी मिलिया, अमरीका वाले मंगल ग्रह से प्लाट कट्ट योजनावान बनाई जाते हैं, असी हजे टोब्या च ट्यूबवैलों से सड़क च खड़े हाँ, क्योंकि उन्होंने साडा ध्यान इधर उधर कितने लगने नहीं दिता। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फलौर में सस्ते रेते होर सरकारी खड्ड चालू की। इस मौके उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने माइनिंग माफिया का लक तोड़ा है, लोगों को सस्ते भाव से रेत मुहैया करवाने का वादा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि इतने 5.5 रुपए क्यूबिक फुट के हिसाब से रेत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि अज 17 होर सरकारी खड्डा चालू की गई ने। अज इस माइन ते पब्लिक माइन ते जिथे तुसी खड़े हो इत्थे अज तो 5.5 रुपये पर क्यूबिक फीट जिहड़ा रेता है वो मिलेगा। जिस तरह पहला भी असी 16 पब्लिक खड्डा जिहड़ियां ने 5.5 रुपये के हिसाब नाल चलाईयां ने, मैनुअल खड्डा ने, यह इत्थे टिप्पर ते JCB नहीं अलाउड, कमर्शियल खड्ड नहीं हैगी। उन्हां 16 खड्डां दे विच्चों लोकां ने बहुत वड्डी गिणती दे विच रेता लिजा के जिथे अपने घर दे उसारी दे काम कीते ने, नाल नाल उत्थे हजारां कामियां नूं भी काम मिलिया। अज वालियां जिहड़ियां पहलां 15 जिहड़ियां सीगियां जिहड़ियां पहलां चलाईयां ने 16, वो 6 जिले च सी, ते अज 17 होर इहदे सने 17 होर पब्लिक जिहड़ियां माइंस ने वो ओपन हो गईयां। सो 8 जिले इहदे नाल कवर हो गए। मार्च के मैंने मंत्री साहब दस रहे सी 6 जिले होर कवर, 6 मार्च के विच दूजे भी 6 हो जाने कवर, जे टोटल 14 जिले हो जाएंगे। टोटल 14 जिहड़े जिले ने माइनिंग वाले वो भी मार्च के विच कवर हो जाएंगे। पंजाब की मान सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर वड्डी कार्रवाई की है। पंजाब सरकार ने 39 करोड़ रुपए के SC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कथित घोटाले में शामिल पाए गए 6 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिता है। इन्हां विचों 4 अधिकारी समाजिक न्याय अधिकारिता ते घट गिणती विभाग में काम करते सन, जदों के 2 वित्त विभाग में काम करते सन। बर्खास्त किए गए लोगों में डिप्टी डायरैक्टर परमिंदर सिंह गिल, चरणजीत सिंह, डिप्टी कंट्रोलर मुकेश भाटिया, सैक्शन अफसर रजिंदर चोपड़ा दे सीनियर सहायक राकेश अरोड़ा अते बलदेव सिंह शामिल सन। बर्खास्तगी दे हुक्म समाजिक न्याय अधिकारिता ते घट गिणतियां बारे मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने दिते सन। यह घोटाला 2019 तत्कालीन समाजिक न्याय मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के कार्यकाल दौरान सामने आया सी। श्रोमणी अकाली दल बादल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि सरकार बंदी सिंह गुरमीत सिंह इंजीनियर और भाई दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई रोक रही है। उन्होंने पंजाबियों को अपील की कि वह बंदी सिंह की रिहाई वास्ते चलाई जा रही हस्ताक्षर मुहिम 18 फरवरी तो पिंडों में चलाने में पूरा डटवा समर्थन देन। जिला फाजिलका के SSP भुपेंद्र सिंह सिद्धू का तबादला मलेरकोटला विखे होने जाने पिछों उन्होंने थान नवे आए SSP श्रीमती अवनीत कौर सिद्धू ने अज अपना अहुदा संभाल लिया। उन्होंने इतने पहुंचने उत्ते पंजाब पुलिस की टुकड़ी वालों गार्ड ऑफ ऑनर दिता गया। ओलंपियन अवनीत कौर सिद्धू ने अहुदा संभालने उपरंत पत्रकारों नाल गलबात की और कहा कि वह जिले में अमन और कानून की स्थिति मजबूत करने लिए तनदेही नाल काम करनगे। उन्हें कहा कि पुलिस लोगों की सेवा लई है ते लोगों की मदद सहूलत लई पुलिस के दर हमेशा खुले ने। SSP ने कहा कि जिला वासियों के काम निरपक्ष ते पारदर्शी ढंग नाल कीते जाणगे। अच्छा महसूस कर रहे हैं वापस से, 1.5 साल मैं इतने बतौर SP काम किया है और हूँ जिले की जिम्मेवारी मिली है तो कोशिश करेंगे कि पहला तो भी बेहतर जी सर्विस प्रोवाइड करा सके। किस तरह से मैम एक जिस तरह बॉर्डर एरिया बॉर्डर एरिया पुलिस एक चैलेंज रह जाता है तो किस तरह? देखो हाँ जी, पुलिस की जॉब वैसे भी चैलेंजिंग होंगी है, हर रोज नवा चैलेंज होंगे, बॉर्डर एरिया करके डेफिनेटली मोर चैलेंजिंग हो जाता है, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। आई थिंक बहुत अच्छी टीम इतने पहला ही काम कर रही है,
दीनानगर थाना अधीन पैंदे पिंड पनियाड़ विच एक नशेड़ी व्यक्ति ने अपनी पत्नी का कतल करके घर विच ही लाश नूं छड़न की कोशिश की। मृतक औरत की पहचान महिंद्रो पत्नी संसार चंद वासी पनियाड़ वजों हुई है। थाना इंचार्ज मेजर सिंह ने दस्सिया कि बीती रात करीब 9 बजे संसार चंद ने अपनी पत्नी महिंद्रो देवी का कतल करके उसकी लाश नूं घर विच ही अग लगाउणी शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अज सड़ी लाश नूं कब्जे विच लैके मुलजम नूं गिरफ्तार किया है। नाभा विच चोरों के हौसले इन्ने बुलंद ने कि बेखौफ होकर बिना किसी की परवाह तो चोरी दी वारदातों नूं अंजाम देण विच कामयाब हो रहे हैं। बीती रात नाभा विच दो घटनावां वापरियां। पहली घटना तीन लुटेरियां दे वल्लों दास गैस एजेंसी के दफ्तर नूं अपना निशाना बनाया गया ते 2.5 लाख रुपए की राशि से हाथ साफ किया गया। महज 3 घंटे के अंदर ही चोरों वालों दूजी घटना नूं अंजाम दिता गया। चोरों ने घर के बाहर खड़े ट्रक नूं अपना निशाना बनाया ते उसनूं लैके रफू चक्कर हो गए। ट्रक चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ट्रक का मालिक चोरों का पिछा करता एक्टिवा उत्ते सवार होकर कई किलोमीटर पिछे भी गया पर कोई फायदा न होया। चोरी होया ट्रक ले जाते मुलजम सीसीटीवी में कैद हो गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन तो मांग की कि ट्रक की भाल करके चोरों खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर साढ़े फादर साहब तो चलते आ रहे हैं ये ट्रक अगो उन्होंने कोविड की डैथ हो गई उस तो बाद असी चला रहे थी। ये ट्रक कितनी कीमत सी जिहड़ा रात चोरी हुआ? इसकी कीमत लगभग 10 लाख के करीब सी जी। पता किमें लग गया परिवार? असल साढ़े ग्यारह तो 11:45 बजे के बीच बीच गड्डी स्टार्ट हुई जी, क्योंकि साढ़े घर के सामने ही साडा ट्रक खड़ता है जी। जो असी गड्डी स्टार्ट हुई मेरे ब्रदर ने कहा भी अपनी गड्डी स्टार्ट हुई है जी। असी फौरन ही गेट खोलिया तो साड़ी गड्डी स्टार्ट करके वो इतों दलद्दी गेट के मोड़ तक लैके गए ने जी। गड्डी इन्नी ज़्यादा फास्ट सी इनकेस जो कोई अगे भी होंदा तो वह जानी मानी नुकसान भी हो सकता सी। असी नाल दी नाल एक्टिवा ते मैं मेरा ब्रदर नाल साडा नेबर का बेटा सी जी उन्हां दा ही असी उहदे पिछे तक गए हाँ। ट्रक यूनियन तक गड्डी सानू दिखी है, उस तो बाद फॉगिंग ज़्यादा सी जी सानू गड्डी नहीं दिखी। साढ़े तक जिथे तक साडा अंदाज है साडी गड्डी फिलहाल इन्ना ही। जाते नजर मारदे मौसम के हाल से बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी। धन्यवाद।